हेलो गाइस, वेलकम बैक टू जुहैर्स एक्जॉटिक। तो आज सुबह मेरे घर पे एक पार्सल आया है जिसके ऊपर लिखा हुआ था जुहैर्स एक्जॉटिक। तो चलिए उस पार्सल को ओपन करते हैं और देखते हैं उसके अंदर क्या निकलता है। सो गाइस, ये है वो पार्सल जो मेरे घर पे आया है, और ये मेरे घर पे कोलकाता से आया है। तो चलिए चेक करते हैं कि इसके अंदर क्या निकलता है। ओके सो गाइस, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि इसके अंदर काफ़ी सारे फिश फूड निकले हैं। सो गाइज, ये पार्सल जो आया है ये मेरे पास आया है एक्वा लैब कंपनी से। ये इनसे मेरी काफ़ी दिनों से बात चल रही थी और इन्होंने मेरे को अपने फूड की यूनिट भेजी है जो कि टेस्ट किट है। तो इसके अंदर है गाइज ये बेटा का फूड, साइमीज डाइट के नाम से आया है इन लोगों का। इसके अलावा है गाइस इसके अंदर गोल्ड फिश का फूड, प्रो गोल्ड फिश। और गाइस थर्ड नंबर पे है इन लोग का डिस्कस का फूड जो है डिस्कस ब्लेंड। उसके अलावा गाइस उन्होंने मेरे को एक पैकेट गप्पी फूड भेजा है जो कि है प्रो गप्पी के नाम से, आप देख सकते हैं। इसके अलावा गाइस मेरे पास चिकलेट के फूड का सैम्पल आया है, और मेरे पास ये एक और फूड है जिसका सैम्पल आया है। इसके अलावा गाइस एक और मेरे पास गोल्ड फिश का पैकेट आया है। तो इतना सामान इन लोगों ने मेरे को भेजा है एक्वा लैब वालों से, तो थैंक यू वेरी मच। और मैं इसका रिव्यू करूंगा और फ्यूचर में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि कैसा इसका रिव्यू है मेरे साथ। तो गाइज़ अब हम लोग बात कर लेते हैं इन लोगों के गोल्ड फिश फूड जो है प्रो गोल्ड फिश, उसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में। तो बाकी जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो तो सेम ही है, जैसे कि एंटार्क्टिक क्रिल वर्म, फिश मील, सोयाबीन मील, वीट जर्म, ये सब कुछ सेम ही है। पर गाइज उसके अलावा जो इंसेक्ट लार्वा और क्रस्टेशियन इन लोगों ने अपने फिश फूड के अंदर ऐड किया है, ये मैंने ज़्यादातर फिश मील्स के अंदर नहीं देखा है, फिश डाइट के अंदर नहीं देखा है, बट इन लोगों ने ऐड किया है और ये फिशेस के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो गाइज़ ये एक बहुत ही अच्छा प्लस पॉइंट है इन लोगों के फ़िश फूड के अंदर। इसके अलावा गाइज़ अगर पैकिंग की बात करें तो इन लोगों ने जो पैकिंग करी अपने फ़िश फूड के अंदर वो वाकई काफ़ी अच्छी है और फिश ब्रांड से, जैसे कि इन लोगों की जो पैकिंग क्वालिटी है और जो मटेरियल इन लोगों ने यूज़ किया है पैकिंग के अंदर वो काफ़ी ही अच्छा है और फिश ब्रांड्स के कंपेरिजन में। और इन लोगों का जो डाइट है वो प्रीमियम क्वालिटी डाइट है। अभी मैं इस डाइट के बारे में कुछ नहीं बोलूँगा क्योंकि आई एम नॉट श्योर, मैंने कभी इसको ट्राई नहीं किया है कि कैसी होने वाली है इन लोगों की डाइट, बट देखने से तो लग रहा है कि काफ़ी सही है। बट मैं अभी कोई कमेंट नहीं कर रहा हूँ इसके बारे में कि इन लोगों की डाइट कैसी है, वो मैं आपको फ्यूचर वीडियो जो अपडेट आएगी उसमें मैं आपको बताऊँगा कि क्या मेरा एक्सपीरियंस रहा है इनकी डाइट के साथ, क्या मेरी फिश ने इसको एक्सेप्ट किया है कि नहीं किया है और कितना ईजिली एक्सेप्ट किया है। इसके अलावा गाइज मैं अभी तो इन लोगों का प्रो गोल्ड फिश ट्राई करूँगा और मैं आप लोगों को बताऊँगा अपडेट अपने बेटा फिश के बारे में, और इन लोगों का फूड मैं उस पर भी ट्राई करूँगा, वो भी आप लोगों को फ्यूचर वीडियो में बताऊँगा। तो अब गाइज़ हम लोग बात कर लेते हैं फ़िश फूड की प्राइसिंग के बारे में। तो इनका जो प्रो गोल्ड फिश है वो 100 ग्राम्स का 350 रुपीज़ का है विद शिपिंग ऑल ओवर इंडिया, जो कि मेरे हिसाब से ज़्यादा है एक फ़िश फूड के लिए। हम लोगों के जो नॉर्मल फ़िश फूड जो हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे कि दूसरी जो कंपनीज होती हैं उनके कंपैरिजन में ये काफ़ी ज़्यादा है 100 ग्राम्स का 350 रुपीस के लिए। बट अगर इनकी क्वालिटी अच्छी है तो मेरे हिसाब से वो प्राइस ठीक होगा उस फ़िश फूड के लिए। तो अब मैं आप लोगों को टेस्ट करके अगली वीडियो में बताऊंगा कि क्या इसकी प्राइसिंग इसकी क्वालिटी के वर्थ है कि नहीं है। वीडियो के एंड में गाइस आई वुड लाइक टू थैंक एक्वा लैब फॉर सेंडिंग मी द टेस्ट किट। मैं आप लोगों को ज़रूर फ्यूचर में अपडेट करूंगा कि मेरे को टेस्ट किट कैसी लगी। आज की वीडियो की लेते हैं था गाइस, अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, टिल देन बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन। ऐसी जी तब चाहे जिंदगी है।